नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जया साह जो एक टैलेंट मैनेजर की पोजीशन रखती थी क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर, वो जया साह के मोबाइल नंबर से ड्रग चैट्स मिले हैं और इन ड्रग चैट्स में इनिशियल्स हैं DN। ये सब डी मे बी स्टैंड्स फॉर दीपिका पाडुकोन, एन फॉर नम्रता शिडोटकर, के मे बी इज द मैनेजर ऑफ दीपिका पाडुकोन, क्योंकि NCP के सोर्सेज ने बोला है और न्यूज टेलीविजन चैनल्स ने बोला है कि दीज आर द इनिशियल्स एंड दीज आर द नेम्स ऑपोजिट दैट इनिशियल्स। शायद इसीलिए दीपिका पाडुकोन 8-9 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत को रफा दफा कर रही थी, ये कह के कि उसकी मौत डिप्रेशन की वजह से हुई है। उसने सिर्फ डिप्रेशन की कहानी बेची 8-9 दिन तक। तो वो दीपिका पाडुकोन जो CA के नाम पर दिल्ली जलाने वालों के साथ खड़ी हो जाती है, वो दीपिका पाडुकोन जो डिप्रेशन की कहानी बेचती है अपना फाउंडेशन चलाने के लिए, फाउंडेशन के अंदर फंडिंग लाने के लिए, वो दीपिका पाडुकोन सुशांत सिंह राजपूत की मौत को डिसमिस करती है एज डिप्रेशन, मगर वो खुद ड्रग्स का सेवन करती है और ये ड्रग्स के सेवन करने वाले लोगों को बचाने के लिए पूरा बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ा है। जया बच्चन जी, आपने संसद में जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो, ये ड्रामा किया ना, आज के बाद ये ड्रामा मत करना, क्योंकि आप लोगों की थाली खाने से नहीं भरी हुई, ड्रग्स से भरी हुई है। इसलिए अपना ड्रग्स का सेवन करना रोको, आने वाली पीढ़ियों को ड्रग्स के सेवन से दूर करने के लिए जो भी प्रतिक्रिया सब लोग कर रहे हैं अगेंस्ट बॉलीवुड, वो प्रतिक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा गंद हो गया है। मुझे सिर्फ इतना एक और बात समझना है कि क्या बॉलीवुड की ये टैलेंट एजेंसीज ड्रग प्रोक्योर करने के साथ साथ अपने एक्टर और एक्ट्रेसेस का प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस भी करती है, बिकॉज ये भी सुनने में आया है, इसके ऊपर भी छानबीन होनी चाहिए। नमस्ते, जय हिंद।